हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड होने वाला है हीटर्स के ऊपर, एक्वेरियम हीटर्स। एंड ये इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है एंड अब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंडा होगा, देन उसके बाद दोपहर बहुत गर्म हो जाता है, शाम को फिर एकदम से ठंडी पड़ने लगती है। अब बेसिकली मैं नागपुर में रहता हूँ तो नागपुर में वही हो रहा है कि ना, डे टाइम में इट इज़ इक्वल एज समर टाइम, इतना गर्म होता है। एंड रात जैसे ही होना चालू होती है, शाम होना चालू होती है 4:30 के बाद में बहुत एकदम एक्सट्रीमली टेम्परेचर पलट जाता है। एंड एक दिन का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज़ नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, एंड जो कि बहुत ज़्यादा है ह्यूमंस के लिए, तो बेचारे फिशेस के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि आप पैसे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड आपके फिशेस को हेल्दी किस तरीके से रख पाएंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो मेरे पास ये जो दो हीटर रखे हुए हैं अभी फ़िलहाल, ये मेरे स्पेयर हीटर्स है। एंड जैसे आपको ये सेटअप है मेरा, ये ग्राउंड फ्लोर का सेटअप है एंड ये मेरे लिविंग रूम में है। एंड इसमें जनरली मुझे, जब से मैंने ये घर रेनोवेट करके ये टैंक सेटअप किया है, तब से ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ रहा है। एंड इसमें मैंने अभी तक के पानी गर्म करने के लिए मैंने हीटर नहीं लगाया हुआ है कभी भी, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। एंड उसके बाद मैं हीटर्स मैंने सिर्फ तब ही लगाया है जब मुझे कुछ ट्रीटमेंट करना हो या कुछ हो। ये बड़े वाले टैंक के सेटअप के लिए ही मैंने ये परचेज़ किया था। एंड ये जो दो हीटर्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों अलग अलग कंपनीज़ के हैं, दोनों अलग अलग ब्रांड्स हैं। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये सनसन कंपनी का है, वो 500 वाट्स का हीटर है। एंड ये जो RS इलेक्ट्रिकल्स का है, ये 200 वाट्स का हीटर है। एंड 500 वाट का मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई बड़ा टैंक है तो आपको बहुत जल्दी पानी गर्म करने में हेल्प करेगा, और बाकी बहुत सारे रीजंस बताया था। बट लकीली मुझे थ्रू आउट द, मैंने अभी तक के, मतलब देखा जाए जब से मैंने बनाया, ये विंटर के लिए पर्पज़ली मुझे हेल्प लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने इसे टेस्ट किया है क्योंकि वो प्रॉपरली रन करता है नहीं करता है, मैंने उसको नियर अबाउट 10 या 15 डेज के लिए मैंने उसको टेस्ट किया था मेरे ये सेम सेटअप पे। एंड यस, इट वाज वर्किंग फाइन। एंड हाँ, उसका टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से था। सो अभी इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचते हुए, मैं आपको मेन जो मैंने कुछ पॉइंट्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आप किस तरीके से, मैंने पागलपन करके, मैंने बाकी के लोगों को सुन सुन के कि भैया आपका इतने हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स का आपके टैंक है तो आप इतने वॉट का हीटर ले लीजिए, इतने वॉट का हीटर ले लीजिए, हालांकि मैं आप लोगों को कम से कम में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट कैसा मिले मैं वो बताने वाला हूँ। एक सेकेंड, अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं मेरे ये चैनल में और ये वीडियो पर ना, स्पेसिफिकली आज के वीडियो में मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और कुछ पॉइंट्स है उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी हीटर खरीदें, जिस भी ब्रांड का खरीदें, मेक श्योर कि वो ब्रांड रेप्यूटेड हो एंड अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा प्रोडक्ट बनाता हो, क्योंकि बहुत सारे जो हीटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी माल फंक्शन कर जाते हैं। एंड जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ब्रांड्स होते हैं कि बहुत चीप रेट में अवेलेबल है, इवन मैंने भी ये परचेज़ करा था, ये बहुत चीप रेट में अवेलेबल होता है, तो इसमें प्रॉब्लम यह आता है कि आप स्पेसिफिक अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं तो इसमें माल फंक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड बहुत बार अगर, फॉर एग्जांपल, मैंने पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो टेम्परेचर 28-29 पे मैंने जब सेट करा था, तो कभी कभी वो टेम्परेचर या तो बिलो 26 होता था या तो अबव 30 चले जाता था, ईजीली होता है। एंड जो ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे ईहाइम का हो गया,
आई नो वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बट उनका मोटो ही होता है कि एकदम मतलब आपने जितना सेट करा है उतना ही एग्जैक्ट टेम्परेचर वो आपको ला के देंगे, एंड उस चीज़ की वो वारंटी भी देते हैं। एंड येस, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट एक प्राइस के साथ ही आती है, तो येस, अगर आपका उतना बजट है तो आप डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ जाइए, क्योंकि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट काफ़ी सालों तक चलेगा। चीप क्वालिटी के भी होते हैं, जैसे उसमें कहावत है चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, वही सेम चीज़ है कि ये सब जो सस्ते क्वालिटी के जो आते हैं हीटर्स, वो कभी भी चल सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी माल फंक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो पहला पॉइंट यही है कि ऑलवेज़ बाय अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम अ रिप्यूटेड ब्रांड इफ़ यू हैव अ गुड बजट। अगर वो आपके बजट पर बैठ रहा है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी क्वालिटी का हीटर परचेज कीजिए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट मैं इसीलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जब कभी भी हम हीटर परचेज करते हैं तो हीटर के साथ आपको एक थर्मोस्टैट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्मोस्टैट इज़ व्हाट, कि आपको पानी का टेम्परेचर कितना हुआ है वो आपको पता चलेगा। एंड उसमें काफ़ी सारे प्रकार आते हैं, सस्ते से महंगे तक के आते हैं, मतलब एक स्टिकर से लेकर एक डिजिटली इक्विप्ड प्रोडक्ट भी आता है। तो स्टिकर की जो प्राइस है वो 25 या 30 रुपये 50 रुपये से चालू होती है, एंड वो इट गोज़ अप टू 700 और 800 और सो। एंड वो डिजिटल वाले होते हैं जिसमें उनका जो टिप रहता है वो पानी के अंदर रहता है, एंड डिजिटल जो डिस्प्ले रहता है वो आउटसाइड ऑफ द एक्वेरियम रहता है, उसमें आप कहीं पे भी उसको रख सकते हैं। अगर आपका बजट है, आप बजट के हिसाब से जाइए, तो आपको जो भी आपके बजट में जो भी सूटेबल है, स्टिकर है या क्रिस्टल का थर्मोस्टैट आता है वो है, या फिर आपके पास में बाकी जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं थर्मोस्टैट के, वो आपके जो भी बजट में बैठता होगा वो परचेज़ कीजिए, साथ ही साथ हीटर के, क्योंकि आपको तभी आपको पता चलेगा, तभी आप ट्रैक रख पाएंगे कि आपका हीटर सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। एंड उसमें आपको पता चलेगा कि वो हीटर कहीं वो माल फंक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर माल फंक्शन एज इन वो कहीं टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर है उससे वो कहीं ज़्यादा या कहीं कम तो नहीं कर रहा है, तो वो चेक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो सेकेंड पॉइंट मेरा यही है कि आप जब भी हीटर परचेस करें तो आप साथ में उसके साथ में आप एक थर्मोस्टैट भी परचेस कीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि पानी में एक अच्छा फ्लो हो, एक अच्छा सर्कुलेशन हो। एंड वो इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वाटर में सर्कुलेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के लिए, एक फिशेस के लिए, दूसरा वाटर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि वाटर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अगर गर्म हो गया है तो बहुत देर तक अगर वो कंटिन्यूस फ्लो में है तो आपका हीटर ऐसा नहीं है कि आपका बार बार हीटर बंद चालू होगा। एक्चुअली माल फंक्शनिंग होने का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपने आपके वो पानी में फ्लो नहीं है, या फिर आपने उसको गलत तरीके से आपने उसको यूज़ किया है। तो यस, आपका पानी गर्म करने के लिए और अच्छी तरीके से रखने के लिए आपका वाटर में फ्लो होना एंड वाटर में एक सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके टैंक के हर एक कोने का पानी को गर्म करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि टैंक के हिसाब से हीटर्स यूज़ करा जाए। जैसे ही मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे परचेस करा था कि इतने बड़े सेटअप के लिए आपको 500 वॉट का हीटर लगेगा एंड इतना सारा 1000 ऑफ लीटर्स का टैंक है, तो आपको बहुत जल्दी ही गर्म करने में हेल्प करेगा, बहुत जल्दी हर चीज़ सेट होगा। बट अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुई थी। मेरा ये मानना है कि ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बचाने में और आपका पैसा बचाने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप एक बड़ा हीटर परचेज ना करते हुए आप मल्टीपल छोटे छोटे हीटर्स परचेज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये 500 वॉट का एक ही हीटर है,
तो ये ऐसा हो कि आप 100 वॉट के 5 हीटर्स खरीद लीजिए एंड आपके अलग अलग पोजिशनिंग में रखिए, तो आपका जो वाटर फ्लो रहेगा, जो वाटर करंट रहेगा आपका, या वाटर सर्कुलेशन जो रहेगा, उससे अच्छी से मतलब पूरा का पूरा वाटर अच्छे से गर्म होगा, हर एक कोना गर्म होगा वो टैंक का। पांचवा पॉइंट मेरा यही है कि आप जो हीटर है उसका जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो क्या बोल सकते हैं, उसके हर एक अच्छे पोजिशनिंग अच्छी होनी चाहिए उस चीज़ की, ताकि आप उसको जब भी अच्छी से लगाए एंड कैसा है कि आपका सर्कुलेशन जो भी मोमेंट में है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल मोमेंट है आपका, जो भी सर्कुलेशन पैटर्न है उस चीज़ में आप उसको अरेंज कीजिए, एंड सबसे पहला जो भी फ्लो आ रहा है, आपका नोज़ल आ रहा है, जो भी है जहाँ से आपका फ़्लो निकल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास आपको यहाँ पे आपको एक वेव मेकर दिखेगा, वेव मेकर के बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरा इसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वेव मेकर के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वेव मेकर के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे उसका नोज़ल है, तो इसके जो भी थ्रो आएगा, इसका वाटर का जो थ्रो आएगा, वाटर थ्रो के जस्ट सामने ही आप हीटर रख सकते हैं। हीटर रख के कैसा है कि उसमें जो फ्लो आता है, फ्लो में से वाटर आता है, तो यहाँ से पास होके वो सर्कुलेट होके आपके टैंक में सर्कुलेशन एक पैटर्न क्रिएट करता है, तो आपका जो सर्कुलेशन बन रहा है वो सर्कुलेशन से आपका टैंक का हर एक कोने का पानी गर्म होता है बहुत अच्छी तरीके से। तो स्मॉल वॉटेज के मल्टीपल नंबर ऑफ हीटर्स होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से टैंक गर्म होता है, एंड इस चीज़ में आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुदा ना खास्ता गलती से आपके अगर 4 या 5 जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1100 1200 1300 लीटर का अगर टैंक है, तो आप 500 वॉट का एक मत लगाइए, 100 वॉट्स के 4 या 100 वॉट्स के 5 हीटर्स लगाइए। अगर कभी गलती से अगर एक भी बंद होता है तो रिमेनिंग आपके 4 वर्किंग है, क्योंकि अगर 500 वॉट का एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे ये सनसन का जो था ये मुझे नियर अबाउट अभी 2500 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, ये रिटेल स्टोर से मैंने परचेज़ करा था अर्जेंट बेसिस पे, एंड अर्जेंसी मेरी एक्चुअली थी कुछ भी नहीं, बस मुझे परचेज़ करना था, क्योंकि बहुत ही कम लोग रखते हैं इतना बड़े बड़े हीटर्स, एंड नागपुर में मुझे सिर्फ ये पूरा नागपुर ढूंढने के बाद में मुझे ये एक ही शॉप पे मिला था, तो मेरा ये था कि भैया है तो परचेज़ कर लेना चाहिए, एंड वो जो शॉप है वो नागपुर की वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप में से है, एंड वो येस थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, बट ठीक है मुझे परचेज़ करना था तो मैंने उसे परचेज़ किया। सो अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ख़राब हो जाता है, तो ये 2500 के बदले में अगर मल्टीपल छोटे हीटर्स लगाओ तो मुझे एक तो वो कम पड़ेंगे, मतलब सस्ते में रहेंगे अगर मैं ऐसे कोई नॉर्मल ब्रांड्स के साथ जाता हूँ तो, एंड वर्किंग भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी मेरा बचता है, अगर मुझे लग रहा है कि वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है तो मेरा मैं हीटर्स मेरे बाकी के स्विच ऑफ कर सकता हूँ, कुछ एक दो ही चालू रख सकता हूँ जस्ट टू मेंटेन द वाटर टेम्परेचर, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं, सो वो एक मेरा पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप आपका जो हीटर है, हीटर को हमेशा आप क्लीन रखिए, अच्छी तरीके से क्लीन रखिए हीटर को। आपको जब कभी भी आपको यूज़ करना है तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये हीटर का टिप है, ये हमेशा वाटर लेवल के ऊपर रहना चाहिए, वाटर लेवल आपका जो टॉप मोस्ट वाटर लेवल है वो यहाँ तक रहना चाहिए, ये टिप के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इस ये अगर पानी के अंदर डिप रहेगा तो इसमें डर्ट जमा होगा, और अंदर का जो रेगुलेटर जो हम यूज़ करते हैं ये ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि वाटर लेवल आप यहाँ तक के रखिए, ये वाटर ड्राई, ये एरिया पूरा ड्राई रखिए, ये जितना पोर्शन है इसको आप वाटर लेवल के ऊपर रखिए, बाकी पूरा रखिए अंदर। एंड एक्चुअली ये देखा जाए तो ये जो कॉइल है सिर्फ आपका एक्चुअली वर्किंग सिर्फ इतने एरिया का ही है, इवन आप अगर इतना भी इसको अगर बाहर रखें और इतना डिप रहे पानी के अंदर तो भी चलेगा, एंड इवन जो ये कैप है, कैप निकाल के उसमें एक नीचे का जो कैप रहता है, कैप निकाल के उसको क्लीन करिए, ताकि वो जब क्लीन रहे तो आप अच्छे से उस चीज़ को ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से आपका हीटर वर्किंग करेगा। सो यही एक मेरा पॉइंट था कि आप अच्छे से आप हीटर को क्लीन रखिए, ताकि आपकी
फंक्शनिंग अच्छी हो, अच्छे से वो पानी गर्म करे, क्योंकि अगर उसमें अगर डर्ट का लेयर जमते जाएगा तो उसका इफ़ेक्टिवनेस कम होते जाएगा. तो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू कीप योर हीटर्स क्लीन एज मच एज पॉसिबल. तो यस, आप अच्छे से क्लीन रखिए आपके हीटर्स को. तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप एक हीटर्स में कांस्टेंट वाटर टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए. जनरली जितने भी ऑर्नामेंटल फिशेस में से या ऑर्नामेंटल फिश में मेजॉरिटी जितनी भी फिशेस आती है वो सारी ट्रॉपिकल रीजन्स में से आती है. ट्रॉपिकल रीजन एज इन उनका जो वाटर टेम्परेचर, बेसिक वाटर टेम्परेचर रहता है वो या आइडियल वाटर टेम्परेचर जो रहता है दैट फॉल्स बिटवीन 27 टू 29 डिग्री सेल्सियस और समवॉट नियर अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस. तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम हीटर्स यूज़ करते हैं. सो यस, वो पॉइंट था. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप हमेशा आपका वाटर का टेम्परेचर हमेशा चेक करते रहें. एंड वो चेक करने के लिए मैं जैसे आपको पहले बताया था कि आप एक थर्मोस्टैट ले लीजिए, उसमें आपको आपकी एक्चुअल रीडिंग समझेंगे, आपका हीटर अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है और आपका एक्चुअल वाटर टेम्परेचर कितना है, आपको वो सब पता चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मेजॉरिटी, अब जैसे ये जो मेरे पास जो फिशेस है ये ट्रॉपिकल रीजन से फिशेस है, तो इनका जो मेरे को वाटर टेम्परेचर जो चाहिए रहता है वो दैट इज़ बिटवीन 27 टू 29 और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस. तो इतना मेरा टेम्परेचर मेंटेन हो ही जाता है. सिर्फ जो पीक विंटर सीजन रहता है उसमें इनका टेम्परेचर बिलो 25 जाता है. लोएस्ट टू लोएस्ट अब तक के मैंने जो रिकॉर्ड करा है दैट इज़ 24 एंड दे डू जस्ट फाइन एट 24. बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत साइंस नहीं दिखते उनके इलनेस के. सो इसीलिए मैं हीटर लगाता नहीं हूँ. एंड बाकी जो वो भी हार्डली सिर्फ एक या दो महीने के लिए प्रॉब्लम आता है कि मेरा उतना 24 या 25 के बीच में मेरा टेम्परेचर रहता है. रेस्ट ऑफ द टाइम मेरा वाटर टेम्परेचर, आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेरा वाटर टेम्परेचर अच्छा खासा विदाउट हीटर अच्छे से कॉन्स्टेंट रहता है, अच्छे से बना रहता है. सो ये है. अब जो लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो हीटर है, हीटर एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. एक तो ठंडी के रीजन के लिए, मतलब ठंडी के सीज़न के लिए. एंड जैसे अब मेरे कुछ कुछ व्यूअर्स हैं जो वो नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया का एक्चुअली टेम्परेचर कुछ एरियाज़ का ऐसा है जो हिमालयन रीजन का है वो बहुत ठंडा है. जैसे मेरे कुछ कुछ व्यूअर्स जो है वो गुवाहाटी, सिलीगुड़ी एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है. तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उन्हें वो ट्रॉपिकल फिशेस पालने के लिए हीटर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए. एंड आई विल रिकमेंड देम टू यूज़ देयर हीटर्स कंटिन्यूसली. एंड उसका जो टेम्परेचर है आप कांस्टेंट 27 या 28 पे आप रख के उसके रख दीजिए, उसे छोड़ दीजिए. एंड जब भी आप वाटर चेंज करें तो मेजर वाटर चेंज ना करें ताकि आपकी जो फिश है वो शॉक में या बीमार ना हो, शॉक में ना आए और बीमार ना हो. तो यस, सो ये कुछ इतने पॉइंट्स थे आज के मेरे वीडियो में. सो गाइस, आज का वीडियो का कंटेंट यही ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों का ढेर सारा मुझे प्यार मिल रहा है, आपका ढेर सारा सपोर्ट मिल रहा है. तो कीप सपोर्टिंग मी गाइज, एंड ऐसे ही हम हमारी इस ब्यूटीफुल हॉबी को और अच्छे से आगे लेके जाएं. तो इसमें से मैंने आप लोगों को जो कुछ पॉइंट्स बताए इसमें आपका काफ़ी सारा पैसा बच सकता है, आपका मतलब पैसा आपका बच सकता है. इन शॉर्ट, जैसे आपका प्रोडक्ट परचेज करने में, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने में, आपका जो इनडायरेक्ट वे में जो आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपको जो पैसा भरना पड़ता है वो भी आपका कम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होने के कारण. तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप और हम पहली जगह में हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं बट एट दी एंड हमको बाद में समझ में आता है कि उस चीज़ से क्या करना चाहिए. तो इस फेज से जब मैं निकला हूँ एंड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है तो आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आप तक के एंड स्पेशली जो बिगनर्स हॉबीस्ट है उन तक के बहुत अच्छी तरीके से जल्द पहुँचे ताकि वो
मेरे फेस से वापस ना जाए एंड वो सेफ रहे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।